निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है झारखंड राज्य के लिए कि दिव्यांग जन आंदोलन कर रहे हैं। और आज मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी सरकार के सिस्टम हैं, जितने भी योजनाएं हैं, जितना भी दिव्यांग के लिए योजना निकाली गई है, सारा सिस्टम दिव्यांग पड़ा हुआ है। क्योंकि जितने भी अफसर होते हैं सब तो बिल्डिंग में बैठे हुए होते हैं ना, और हम दिव्यांग को जाने के लिए बिल्डिंग में रैंप रेलिंग की सुविधा नहीं होती है, या प्रखंड कार्यालय जाइए तो प्रखंड कार्यालय में भी रैंप रेलिंग नहीं है, बाथरूम नहीं है दिव्यांगजनों के लिए। तो क्या सरकार क्या कर रही है? घर से ही ऐसे सब परेशान है, जो घर से लाए हैं कंबल वंबल वही अपने से ओढ़ रहे हैं, कुछ व्यवस्था नहीं हुआ है। मीडिया वाले से यही कहना चाहेंगे, अगर आप लोग का सपोर्ट रहे तो ये आवाज़ हम लोगों का आवाज़ मंत्री जी के पास कानों तक पहुंचना चाहिए। देखिए, असर भी पड़ना चाहिए, और नहीं तो हम आगे वाले चुनाव में भी हम तैयार हैं कि किस तरीके से सरकार ने अगर ठगने का काम किया है तो इस बार दिव्यांग भी हो सकता है ठगने का काम करेंगे। वो कहते हैं ना, विकलांगता शरीर से नहीं बल्कि मन से होता है, और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, आप पीछे तस्वीरों में देख सकते होंगे, ये राजधानी रांची का वो एरिया है जो धरना केंद्र से जाना जाता है। राजभवन के यहाँ पर जो है दिव्यांग जन विगत 19 दिनों से धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। शुरुआत में जो मैंने कोट कहा वो इसलिए था क्योंकि राजधानी रांची का जो टेम्परेचर है वो लगातार गिरता जा रहा है, और इस कड़ाके की ठंड में भी ये दिव्यांग जन अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। 2016 में मन की बात में केंद्र सरकार सिर्फ दिव्यांग जनों के लिए की है तो वो सिर्फ शब्द का बदलाव, पहले विकलांग शब्द था, अब उस विकलांग शब्द को दिव्यांग में बदल गया है, फर्क बस इतना दो अक्षर का। खैर, हम बात करें अगर सरकार इन दिव्यांग जनों के लिए योजनाएं जो लाती है उन योजनाओं का कितना क्रियान्वयन हो पाता है ये तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी मांगों को लेकर के राजभवन में एकजुट हुए हैं और 19 दिनों से धरने पर है। इनकी मांग है कि जो इन्हें जो मानदेय मिलता, जो हर महीने जो इनको मिलता है पैसा 1000 से 2500 दिया जाए, और ये सरकार के मैनिफेस्टो में भी थी। हेमंत सोरेन सरकार जब सत्ता पर आई तो अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ का जिक्र भी की थी। यहाँ पर दिव्यांग जन है, हम उनसे भी बातचीत करते। क्या नाम है भैया जी? मेरा नाम हुआ तबरेज अंसारी और मैं रांची जिला का अध्यक्ष हूँ, और मैं रेगुलर आज जब से मेरा दिव्यांगता आया तब से मैं दिव्यांग के प्रति काम कर रहा हूँ। अच्छा भैया, आप लोग इतना ठंड में लगातार मांग की गुहार करे सरकार से, सरकार सुन नहीं पा रही, सरकार अपने मैनिफेस्टो में भी इस चीज़ का जिक्र की थी, पूरा क्यों नहीं हो पा रहा? मैनिफेस्टो में जिक्र की थी और अपनी सरकार बनाई, लेकिन आज तक हम लोग का जो मांग था, हम लोग के लिए जो वादा किए थे वो वादा सरासर झूठा निकला। और आज मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी सरकार के सिस्टम हैं, जितने भी योजनाएं हैं, जितना भी दिव्यांग के लिए योजना निकाली गई है, सारा सिस्टम दिव्यांग पड़ा हुआ है, सारा सिस्टम दिव्यांग पड़ा हुआ है। आज जो भी योजना लेने जाइए, योजना लेने के लिए हम लोग को बिल्डिंग जाना पड़ता है, एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला, चार तल्ला, पाँच तल्ला, जो भी हो, है ना, हम लोग को बिल्डिंग चढ़ना पड़ता है। क्योंकि जितने भी अफसर होते हैं सब तो बिल्डिंग में बैठे हुए होते हैं ना, और हम दिव्यांग को जाने के लिए बिल्डिंग में रैंप रेलिंग की सुविधा नहीं होती है, या प्रखंड कार्यालय जाइए तो प्रखंड कार्यालय में भी रैंप रेलिंग नहीं है, बाथरूम नहीं है दिव्यांगजनों के लिए। तो क्या सरकार क्या कर रही है? आप इस चैनल के माध्यम से सरकार को बोलना चाहेंगे, सरकार क्या कर रही है बताएं हम दिव्यांगजनों को लिए। आज इसीलिए आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने पर दिव्यांग मजबूर है कि भाई दिव्यांग के लिए कहीं कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लगातार दिव्यांग आंदोलन पर आंदोलन कर रही है। पिछले बार भी हम लोग बैठे, लेकिन उस बार भी हम लोग को आश्वासन देकर के और उठा दिया गया। इसीलिए है कि यहाँ पर इस बार हम लोग पुनः बैठे हैं कि हम लोग का मांग जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। हम यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी दिव्यांग जन है वो खाना खा रहे हैं, और ये जो भी खाना या फिर अपनी जो सारी व्यवस्था जो है वो खुद कर रहे हैं। भैया, यहाँ पर जो है नगर निगम या प्रशासन के द्वारा आप लोगों को क्या कुछ सुविधा दिया जा रहा है? कुछ भी नहीं सुविधा दिया जा रहा है, हम लोग का ओढ़ना बिछौना भी नहीं है, लेटरिन बाथरूम करने के लिए भी बहुत दिक्कत है,
जाते हैं ब्लॉक के पास। पर यहाँ पर तो नगर निगम की गाड़ी लगी हुई है भैया। गाड़ी तो लगल है लेकिन उसमें सीढ़ी बनावल गया है, 3 सीढ़ी, उसमें नहीं चढ़ने पाते हैं। तो आप लोग ब्लॉक जाते, उतना दूर जाना पड़ता है, कैसे जाते? कोई आदमी का के सहारे से जाते हैं। आप लोग खाना वाना जो खा रहे कहाँ से आ रहा है? हम लोग किसी तरह से अपने से मैनेज किए हैं मैम। अच्छा। जिसमें कि हम लोग इतना परेशानी हो रहा है और खाना बनाने के लिए तो हम लोग अपने से चंदा इकट्ठा करके, हम लोग को कोई पार्टी वोटी पैसा देता नहीं है, रह गए। पानी की व्यवस्था भी खुद करते हैं? खुद अपने से करते हैं पानी का व्यवस्था। जो शौचालय आप देख रहे हैं उसमें हम लोग का चढ़ने में बहुत कठिनाई होता है। हम मीडिया वाला से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग का सपोर्ट रहे तो ये आवाज़ हम लोगों का आवाज़ मंत्री जी के पास कानों तक पहुंचना चाहिए। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। वहाँ पे जो है मुकेश दादा है जो दिव्यांग जन का जो संगठन है इनका समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है, आप लोग फिर से भी आंदोलन किए हुए थे एक साल पहले, लाठी चार्ज भी हुआ था, उस वक्त आश्वासन भी बाकायदा मिला था सरकार के द्वारा, अब फिर से वही चीज़ दोहराया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है झारखंड राज्य के लिए कि दिव्यांग जन आंदोलन कर रहे हैं। चूँकि दिव्यांग जन ऐसे भी एक ऐसा वर्ग माना जाता है जो समाज का सबसे पिछला वर्ग है, और अगर वैसे वर्ग अगर आज आंदोलन में बैठे हैं तो ये प्रश्न जरूर उठेगा कि आखिर सरकार ने क्या काम किया है। केंद्र सरकार ने तो काम किया ना भैया, कि उन्होंने तो नाम बदल दिया ना विकलांग से दिव्यांग। देखिए, आम आदमी यही बात कहता है कि नाम बदल गया है, पर हम दिव्यांगजन यही कहते हैं कि नाम बदलने से हमारा के कोई ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। नाम कुछ भी हो पर वास्तविक स्थिति जो पहले थी वही आज भी है। राज्य में कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जिनको सरकार पर उससे समस्या का हल नहीं है, जो पेंशन का आपने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, और उन्हीं वादों को देखकर सरकार को दिव्यांगजनों और उनके परिवार ने वोट दिया, और वो अपने हक को पिछले वर्ष से मांग रहे हैं। कम से कम इस पर विचार करने की आवश्यकता थी सरकार को कि आखिर क्या समस्या है, पर अभी तक एक भी डायलॉग सरकार ने हम लोगों के साथ या जो जैसे कोरिल जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं तो किसी भी प्रतिनिधि से उन्होंने डायलॉग या बात करने की नहीं सोचा। और अभी भी आप देखें कि 19 दिन पूरे हो चुके हैं, आज शाम ढल चुका है, 19 दिन पूरे हो गए पर सरकार की तरफ से एक भी प्रतिनिधि वार्ता करने के लिए नहीं आए। कि इस ठंडे में आपको याद होगा कि इसी बीच में आंदोलन के समय में 4 दिन बारिश हुआ था, उस बारिश में भी दिव्यांगजन ऐसे ही डटे हुए थे। खुला हम लोगों का टेंट, देखिए हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे ही खुले टेंट में हम लोग ये समय गुजारे हैं, और इतने ठंड में भी हमारे दिव्यांगजन डटे हुए हैं। और कल तो विधानसभा का घेराव है, तो घेराव है कि हमारी मांगों को पूरा करें सरकार। तो सरकार का कार्यकाल भी समाप्त होने के कगार पर है, तो क्या लगता है कि जो काम 4 सालों में नहीं किया सरकार ने, वो क्या एक दिन के आंदोलन पे वो असर पड़ेगा? देखिए, असर भी पड़ना चाहिए, और नहीं तो हम आगे वाले चुनाव में भी हम तैयार हैं कि किस तरीके से सरकार ने अगर ठगने का काम किया है तो इस बार दिव्यांग भी हो सकता है ठगने का काम करेंगे, ऐसी हम लोगों की भी मंशा है। देखिए, उम्मीद तो ज़रूर है, और इसी को देखते हुए झारखंड के हज़ारों लोग यहाँ पर जुटेंगे, और कल देखना है कि सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर कान में तेल डाली हुई है तो सरकार को कल हम अपने पैर से चलने में सक्षम नहीं है पर मुंह से बोलने में सक्षम है, और जो दिव्यांगजन साथी मुंह से बोलने में सक्षम नहीं है उनकी बदले भी हम लोग बोलने का प्रयास करेंगे, और निश्चित तौर पर उनके कानों तक आवाज़ कल जाएगी। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर जो राजभवन के समक्ष जो दिव्यांग जन अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे थे, उनका यही कहना है कि इससे पहले भी वो लोग यहाँ पर धरने पर आए हुए थे और उन पर जो है लाठियाँ भी चलाई गई थी, और उम्मीद है कि कल जो है विधानसभा का घेराव करना है और हज़ारों की संख्या में 2400 जिलों से ये लोग एकजुट होकर विधानसभा का घेराव करने जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि सरकार जो दिव्यांगजनों के लिए अपने मैनिफेस्टो में जिक्र की थी कि इनका जो पेंशन है 1000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपया कर देगी, अब ये बात है कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। बाकी खबरों के लिए बने रहे द4thpillar.news के साथ। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं शरतन रांची।